इस वीडियो में हम कक्षा 9 के विज्ञान का विषय बल तथा गति का नियम यानी फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर निर्धारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे ताकि ये विषय हमें थोड़े और स्पष्ट रूप में समझ आ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है कि 200 न्यूटन की क्षैतिज बल या हॉरिजॉन्टल फोर्स का उपयोग करते हुए हम एक लकड़ी के कैबिनेट को स्थिर वेग से हिलाना चाहते हैं, तो हमें बताना है कि कैबिनेट पर लगने वाला घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। अगर कोई वस्तु स्थिर वेग या सेम स्पीड से चलती है तो उस पर लगने वाले सभी बलों का जोड़ या फोर्स का सम 0 होता है। तो अगर हम उस पर 200 न्यूटन का क्षैतिज बल या हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं तो उस पर उल्टी दिशा में 200 न्यूटन का ही घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तभी वह स्थिर वेग या कॉन्स्टेंट स्पीड से चलेगा। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स बराबर होगा 200 न्यूटन के। दूसरा प्रश्न है कि 4 किलोग्राम के द्रव्यमान की एक राइफल से 50 ग्राम के द्रव्यमान की एक गोली निकाली जाती है जो 35 मीटर पर सेकंड से निकलती है। ये 35 मीटर पर सेकंड इसका प्रारंभिक वेग है, तो हमें इसमें राइफल के प्रारंभिक पुनरावृत्ति वेग की गणना करनी है। अगर राइफल से गोली चलाई जाती है तो गोली आगे की दिशा की तरफ जाती है और राइफल को एक पीछे की दिशा में धक्का मिलता है। इसी धक्के को पुनरावृत्ति वेग या रिकॉइल वेलोसिटी कहा जाता है। यह सीधा सीधा एक संवेग संरक्षण का उदाहरण है, तो हमें मोमेंटम कंजर्व करना है। अगर मोमेंटम कंजर्व करे तो जो गोली का मोमेंटम आगे की तरफ होगा उतना ही मोमेंटम राइफल का पीछे की तरफ होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये गोली और राइफल के सिस्टम पे बाहर से कोई अलग से बल नहीं लग रहा है, तो हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो अगर हम मोमेंटम कंजर्व करें तो हम लिखेंगे बुलेट का मोमेंटम बराबर होगा बुलेट का मास मल्टीप्लाइड बाय बुलेट का वेग या वेलोसिटी, और गन का मोमेंटम या राइफल का मोमेंटम लिखे तो वो होगा गन का मास मल्टीप्लाइड बाय गन का वेग या गन की वेलोसिटी। बुलेट का मास हमें दे रखा है 50 ग्राम और उसकी वेलोसिटी या वेग दे रखा है 35 मीटर पर सेकंड, तो हम मोमेंटम लिखेंगे 50 मल्टीप्लाइड पर 35 और वो बराबर होगा गन की मोमेंटम के। तो गन का मोमेंटम होगा गन का मास जो है 44,000 ग्राम, क्योंकि हमने बुलेट का मास ग्राम में लिया था, हमें गन का मास भी ग्राम में ही लेना होगा। तो 4 किलो बराबर थे 4,000 ग्राम के, तो हम गन का मोमेंटम लिखेंगे 4,000 मल्टीप्लाइड पर गन का वेग या गन की वेलोसिटी। तो हम गन का वेग निकालेंगे 50 मल्टीप्लाइड बाय 35 डिवाइड बाय 4,000, वो बराबर आता है 0.4375 मीटर पर सेकेंड के। तो ये आया हमारे पास गन का रिकॉइल वेलोसिटी या पुनरावृत्त वेग। इसमें प्रश्न में लिखा है कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को वेग से समान रूप से त्वरित या एक्सेलरेट किया जाता है 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड तक 6 सेकेंड में। तो हमें वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम संवेग की गणना करनी है और बल का भी परिणाम निकालना है जिससे वह वस्तु की गति 5 से 8 मीटर पर सेकेंड हुई है। तो इस प्रश्न में हमें शुरू की गति दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड और बाद की गति दे रखी है 8 मीटर पर सेकेंड। तो शुरू के समय का संवेग हुआ द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाय शुरू की गति जो कि 100 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर पर सेकेंड जो बराबर होगा 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो संवेग की यूनिट है। और इसी तरह बाद के समय का संवेग हम लिख सकते हैं द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाय बाद के समय की गति जो कि बराबर है 8 मीटर पर सेकंड के, तो संवेग होगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 8 जो कि 800 kg मीटर पर सेकंड होगा। अब हमें बल निकालना है जिससे ये संवेग में अंतर आया है। तो बल होता है संवेग संवेग में बदलाव डिवाइडेड बाय कितना समय लगा उस संवेग में बदलाव लाने में। तो संवेग में बदलाव हुआ शुरू का बाद का संवेग माइनस शुरू का संवेग, तो वो बराबर होगा 800 माइनस 500 और समय है 6 सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं बल होगा 800 माइनस 500 डिवाइड बाय 6, वो बराबर होगा 300 डिवाइड बाय 6 और वो बराबर होगा 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के। उसे हम न्यूटन में भी बोल सकते हैं। चौथा प्रश्न है कि डंबल का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, वह कितना संवेग जमीन को स्थानांतरण या ट्रांसफर करेगा यदि वह 0.8 मीटर की ऊंचाई से गिरा जाता है। तो
इसे नीचे ले जाने के लिए त्वरण या ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो डंबल का द्रव्यमान या मास हमें दे रखा है 10 किलोग्राम, और डंबल अगर 0.8 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है तो हम मान लेते हैं कि उससे नीचे पहुंचने में उसकी वेलोसिटी होगी वी। तो हम गति की तीसरी इक्वेशन का इस्तेमाल करें जो कि होती है v² - u² = 2as। तो हम बोल सकते हैं कि s इसमें जो हाइट है वो बराबर होगी 0.8 मीटर के, और एक्सेलरेशन जो कि ग्रेविटी के बराबर होगी वो बराबर है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। और क्योंकि हमने डंबल को बस छोड़ा ही है तो हम u यानी शुरू की गति को हम 0 मान सकते हैं। अगर इन संख्याओं को इक्वेशन में रखें तो हम बोल सकते हैं कि v² - 0² = 2 × 10 × 0.8, जो कि बराबर होती है 16 के। तो हम वी स्क्वायर को 16 बोलेंगे तो हम v को 4 बोल सकते हैं, तो v हमारी आई 4 मीटर पर सेकेंड। तो नीचे पहुंचते समय उस डंबल का संवेग होगा उसका द्रव्यमान या मास मल्टीप्लाइड पर नीचे पहुंचते समय की गति, वो बराबर होगी 10 × 4, वो होता है 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर वह भारी डंबल अगर जमीन पे गिरता है तो वह एकदम से रुक जाता है, तो उसके संवेग में बदलाव आता है बाद का संवेग माइनस शुरू का संवेग। तो बाद का संवेग तो 0 हो जाएगा क्योंकि वह रुक गया। तो हम संवेग के बदलाव को लिख सकते हैं 0 − 40 = −40। तो जब जो बदलाव डंबल के संवेग में आता है उसे अगर वह बदलाव जमीन ने डंबल को दिया है तो डंबल ने जमीन को उसका उल्टा बदलाव दिया होगा। तो डंबल ने जमीन को 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का ही संवेग स्थानांतरण या ट्रांसफर किया होगा। पांचवा प्रश्न है कि एक 200 ग्राम की हॉकी की गेंद 10 मीटर पर सेकेंड की गति से एक हॉकी की स्टिक से जाकर टकराती है, जिससे वह गेंद अपने पिछले रास्ते पर ही 5 मीटर पर सेकेंड से लौट जाती है। तो हॉकी की गेंद में संवेग में बदलाव की गणना करनी है हमें। तो हमें इस सवाल में गेंद का द्रव्यमान दे रखा है 200 ग्राम जो के बराबर होता है 0.2 kg के। तो हम बोल सकते हैं टकराने से पहले गेंद का संवेग या मोमेंटम होगा गेंद का द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाय शुरू की गति। तो गेंद का द्रव्यमान हुआ 0.2 kg × 10 m/s। और ये हम माइनस में लेंगे क्योंकि हमने जो टकराने के बाद का संवेग है उसे पॉजिटिव में लिया है, और टकराने से पहले का संवेग और बाद का संवेग आपस में उल्टी दिशा में है, तो हमें एक को नेगेटिव साइन में लेना होगा। तो शुरू का संवेग हो गया 0.2 × 10 m/s, उसे माइनस में ले तो वो −2 kg/s होगा। और टकराने के बाद का संवेग बोले तो हम गेंद का द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाय टकराने के बाद की गति, तो वो बराबर होगा 0.2 kg × 5 m/s। तो ये बराबर होगा 1 kg/s के। तो हम संवेग में बदलाव को लिख सकते हैं टकराने के बाद का संवेग माइनस टकराने से पहले का संवेग। तो टकराने के बाद का संवेग है 1 kg/s और टकराने से पहले का संवेग है −2 kg/s। तो हम संवेग में बदलाव लिखेंगे 1 kg/s −2 kg/s। तो ये बराबर होगा 3 kg/s के। छठे और आखिरी प्रश्न में लिखा है कि 40 किलोग्राम वजन की एक लड़की कूदती है 5 मीटर पर सेकेंड से एक क्षैतिज वेग या कांस्टेंट स्पीड से एक घर्षण रहित एक स्थिर गाड़ी पर। गाड़ी का द्रव्यमान हमें दे रखा है 3 किलोग्राम, और गाड़ी की वेग या स्पीड निकालनी है हमें शुरू होते ही, और हमें मानना है कि कोई बाहरी असंतुलित बल नहीं लग रहा है इन दोनों पर, जो कि हमें पता है कि कोई बाहरी असंतुलित बल नहीं लग रहा है। तो हम संवेग का संरक्षण कर सकते हैं। तो संवेग का संरक्षण करें तो हम बोलेंगे शुरू का संवेग बराबर बाद का संवेग, और शुरू का संवेग होगा गाड़ी का संवेग प्लस लड़की का संवेग। क्योंकि गाड़ी शुरू में रुकी हुई है तो हम गाड़ी का संवेग बोलेंगे 0 या 0, और लड़की का संवेग होगा लड़की का द्रव्यमान मल्टीप्लाइड में लड़की का वेग जो कि 40 kg × 5 m/s। तो दोनों का मिला के संवेग हो जाएगा 200 kg/s। तो ये हो गया हमारा शुरू का संवेग। और संवेग के संरक्षण से हम कह सकते हैं कि शुरू का संवेग बराबर बाद का संवेग है। तो बाद का संवेग हम
निकालेंगे जो कि दोनों का मिलाकर समय हुआ, क्योंकि अब वह लड़की उस गाड़ी पे चढ़ चुकी है, तो दोनों का मिला के द्रव्यमान हुआ 40 प्लस जो द्रव्यमान उस गाड़ी का है जो कि 3 किलोग्राम है, तो दोनों का द्रव्यमान हुआ 40 प्लस 3 जो कि 43 किलोग्राम हुआ। तो दोनों का मिला के संवेग हुआ 43 मल्टीप्लाइड बाय, एक हम वेलोसिटी वी मान लेते हैं या वेग वी मान लेते हैं जिससे वह चलेंगे, तो दोनों के संवेग को हम बोल सकते हैं 43 वी। तो बाद का जो द्रव्यमान है वो 43 वी हो जाएगा, तो बाद का द्रव्यमान 43 वी बराबर होगा शुरू के द्रव्यमान जो कि 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, तो हम वी को लिख सकते हैं 200 डिवाइड बाय 43 जो कि बराबर है 4.65 मीटर पर सेकेंड। तो इसी के साथ हमने सारे प्रश्न हल कर लिए हैं इस वीडियो के। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के प्रश्नों को हल करने के बाद आपको इस विषय में थोड़ी और स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा, और इस वीडियो के द्वारा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।